हेलो फ्रेंड्स, मैं सब सीए याचना मुथापुरट। हमने स्टार्ट किया था क्या जीएसटी का क्विक रिवीजन फॉर सीए फाइनल। पांच चैप्टर्स हमने कर चुके हैं, अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 विच इज व्हाट रिगार्डिंग बेटा वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये समरी बुक आपके पास नहीं है तो प्लीज हमारी वेबसाइट से डाउनलोड करिए www.icaleague.com। अच्छा, अब एक चीज और बता दूं, जीएसटी का और कस्टम्स का क्वेश्चन बैंक, जीएसटी का और कस्टम्स का क्वेश्चन बैंक, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बैंक मैंने वेबसाइट पे अपलोड करके रखा हुआ है icaleague.com में। उसमें सारे पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस है, मॉक टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस है, आरटीपी के क्वेश्चंस है, आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस का बहुत बढ़िया कंपाइलेशन किया हुआ है क्वेश्चन बैंक पे, वो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में पढ़ सकते हैं, एग्जाम में बहुत यूजफुल होगा। उसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है और कुछ एमसीक्यूज लिए हुए हैं हर चैप्टर में। तो हर एक चैप्टर का रीजनेबली हर कंसेप्ट को कवर करते हुए, हर एक टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, हर टॉपिक को कवर, उस चैप्टर में जो टॉपिक है उनको कवर करते हुए वो क्वेश्चन बैंक बनाया हुआ है। कोई भी टॉपिक मिस नहीं हुआ है तो आप वो बिल्कुल क्वेश्चन बैंक देख सकते हो, आपको बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। आप मेरी वेबसाइट जो है, मेरी वेबसाइट www.icaleague.com, वहां से डाउनलोड कर सकते हो वो क्वेश्चन बैंक। अब चलो भाई, हम स्टार्ट करेंगे क्या हमारा नेक्स्ट चैप्टर विच इज रिगार्डिंग व्हाट वैल्यू ऑफ सप्लाई। जो मेरे पेनड्राइव स्टूडेंट्स हैं, मैं बता दूं मॉड्यूल 1 का ही जो चैप्टर है, हमारी मॉड्यूल 1 का रिवीजन अभी चल रहा है, तो हम वैल्यू ऑफ सप्लाई का जो चैप्टर है वो आप वहां पे देखिए। अब वैल्यू मतलब क्या, ठीक है मैम, सप्लाई है मान लिया, सप्लाई है मान लिया, सप्लाई है तो जीएसटी लगेगा। बट बेटा जीएसटी कौन सी वैल्यू पे लगेगा, किस वैल्यू पे जीएसटी लगेगा? सो जनरली क्या लगेगा, याद हो तो सेक्शन 9 में भी पढ़ा था क्या, ट्रांजैक्शन वैल्यू, वैल्यू एज डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 15। सेक्शन 9 में क्या लिखा था, वैल्यू एज डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 15। और सेक्शन 15 क्या बोलता है, जीएसटी में वैल्यू क्या रहेगी, वैल्यू विल बी ट्रांजैक्शन वैल्यू। वैल्यू विल बी व्हाट, वैल्यू विल बी ट्रांजैक्शन वैल्यू, मतलब प्राइस पेड और पेएबल व्हेन द सप्लायर एंड रिसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड एंड द प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। तो वैल्यू क्या होगी सेक्शन 15 के हिसाब से, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, पंच लाइन याद रखना, एग्जाम में लिखने काम आ जाएगी सेक्शन 15 की। वैल्यू इज ट्रांजैक्शन वैल्यू, दैट इज द प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल व्हेन द सप्लायर एंड रिसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड एंड द प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, यहां पे एस स्टैंड फॉर सप्लायर, आर स्टैंड फॉर रिसिपिएंट, ठीक है। तो आपकी वैल्यू जो है ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सेप्ट कर ली जाएगी। मतलब मैंने आपको गुड्स बेचे, आप और मैं रिलेटिव पार्टी नहीं है, आपने मेरे को गुड्स के बदले 50,000 रुपए दिए, वही सोल कंसिडरेशन है, तो खत्म बात। जीएसटी किस पे लगेगा, 50,000 रुपए, जो ट्रांजैक्शन वैल्यू, जिस पे ट्रांजैक्शन हुआ है, प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल, ठीक है। ये क्या हुआ सेक्शन 15, एक बार फटाफट सेक्शंस का रिवीजन। सेक्शन 7 सप्लाई, सेक्शन 8 कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, सेक्शन 9 हमने पढ़ा था लेवी ऑफ सीजीएसटी, देन सेक्शन 10 कंपोजिशन स्कीम, सेक्शन 12 11 जो है एग्जेम्पशन से रिलेटेड है, वो हम यहां पे अभी नहीं पढ़ने वाले हैं। सेक्शन 12 किस चीज से रिलेटेड है बेटा, सेक्शन 12 है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, सेक्शन 13 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, सेक्शन 14 चेंज इन रेट के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। यहां पे हम सीक्वेंस में, सेक्शंस के सीक्वेंस में ही मैंने चैप्टर्स को प्लॉट किया है ताकि हमको याद रहे। अब सेक्शन 14 तक के हमने पढ़ लिया, अब सेक्शन 15 पढ़ेंगे विच इज रिगार्डिंग व्हाट वैल्यू, वैल्यूएशन के प्रोविजन सेक्शन 15 में दिए हुए हैं। अब इसके बाद अगर ये तो हो गया, अगर सप्लाई अनरिलेटेड पर्सन को कर रहे हो और प्राइस सोल कंसिडरेशन है तो वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, वैल्यू हो जाएगी ट्रांजैक्शन वैल्यू। बट अगर आपने सप्लाई किया है रिलेटेड पर्सन को, या प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है, या कुछ नोटिफाइड सप्लाई है, तो उस केस में वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे, वैल्यूएशन रूल्स में जाएंगे। वैल्यूएशन रूल्स, सीजीएसटी रूल्स जो दिए हुए हैं हमारे वैल्यूएशन के लिए, उस रूल्स में जाएंगे और वहां से हमारी वैल्यू डिटरमाइन होगी, वहां से हमारी वैल्यू डिटरमाइन होगी, ठीक है। अब हम आएंगे आगे। अब देखो वैल्यू सेक्शन 15(1) के हिसाब से वैल्यू इज व्हाट, वैल्यू इज बेटा ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू में बट कुछ इंक्लूजन्स रहेंगे और कुछ डिडक्शंस रहेंगे, वो हम देखते हैं। तो अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सेप्टेबल है, मतलब अगर प्राइस सोल कंसिडरेशन है एंड प्राइस सप्लायर एंड रिसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड, तो ट्रांजैक्शन वैल्यू में कुछ एडजस्टमेंट्स होंगे। क्या एडजस्टमेंट होंगे देखते हैं। इंक्लूजन्स इन ट्रांजैक्शन वैल्यू, जैसे कि मेरा आपका एग्जांपल चल रहा है, मैंने आपको ये मोबाइल बेचा, आपने मुझे 50,000 रुपीज दिए, 50,000 रुपीज दिए, वो ट्रांजैक्शन वैल्यू हो गई। अब ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सेप्टेबल है क्योंकि प्राइस सोल कंसिडरेशन है और अपन दोनों रिलेटेड नहीं है, तो क्या हो गई, ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सेप्ट हो गई। अब ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सेप्ट होगी तो उसमें कुछ इंक्लूजन्स है, देखते हैं क्या।
टैक्सेस अदर देन जीएसटी, मतलब कोई भी अदर टैक्सेस लगे होंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक्साइज ड्यूटी लगी होगी, कोई भी म्युनिसिपल टैक्सेस लगे होंगे, कोई भी टैक्सेस हैं वो ऐड होंगे, वो ऐड होंगे. सो कोई भी टैक्सेस होंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको टोबैको प्रोडक्ट्स बेचे, उस पर एक्साइज ड्यूटी अभी भी लगता है, आपको पता है सेंट्रल एक्साइज अभी भी लगता है. तो जो भी सेंट्रल एक्साइजेस हैं, 50,000 का हमारा प्रोडक्ट था फॉर एग्जाम्पल टोबैको का, 1,000 सेंट्रल एक्साइज लगता है उसमें, तो 51,000 रुपीज, जो 1,000 रुपीज है उसे इंक्लूड किया जाएगा. तो ऑल काइंड ऑफ टैक्सेस अदर देन जीएसटी, जीएसटी को छोड़ के जो भी टैक्सेस हैं जो अभी करेंटली लग रहे हैं वो इंक्लूड होंगे ट्रांजैक्शन वैल्यू में, ऐड कर दो, टैक्सेस दिए होंगे ऐड कर दो. देन थर्ड पार्टी पेमेंट मेड बाय कस्टमर इन रिलेशन टू सप्लायर वेयर सप्लायर वॉज लाइबल टू पे एंड वेयर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस, मतलब कि थर्ड पार्टी पेमेंट है, किसी को पेमेंट कर रहे हैं, जिसने किसने किया, कस्टमर ने किया, बायर ने किया, रिसिपियंट ने किया, इन रिलेशन टू सप्लाई है, सप्लाई से रिलेटेड है, with supplier was liable to pay and were not included in the price actually paid or payable. अब क्या हुआ, मैंने आपको घर बेचा, मैंने बोला एक काम करो, एक ये फ्लैट खरीद लो आप मुझसे, 50 लाख रुपए आपने मुझे दे दिए, मैंने बोला एक काम करना यार, 2 लाख रुपए वो सीमेंट का पेमेंट करना था, यू प्लीज डू ना. तो वॉट इज दैट, दैट इज अ थर्ड पार्टी पेमेंट विच इज पेड बाय द रिसिपियंट, आपने पे किया इन रिलेशन टू सप्लायर, सप्लायर से रिलेशन में पे किया, Not included in price actually paid or payable, 50 लाख में included नहीं है, पे मेरे को करना चाहिए था, मैंने आपको बोला यार 2 लाख रुपए उसको पे कर देना, तो ये क्या हुआ, ये तो मैंने शिफ्ट कर दिया आपको, मैंने शिफ्ट कर दिया आपको, आपने 2 लाख रुपए पे किया, प्राइस में नहीं इंक्लूडेड बट एक्चुअली तो पार्ट ऑफ सप्लाई है. तो थर्ड पार्टी पेमेंट जो भी रिसिपियंट करता है लॉजिकल है, उसे भी ऐड किया जाएगा, उसे भी ऐड किया जाएगा. तो अगर मैंने आपको कोई सेल किया है, आपने मेरे को 50 लाख दे दिए, 2 लाख रुपए आपने किसी और को दे दिए, तो 2 लाख रुपए भी ऐड होगा, ठीक है, 2 लाख रुपए भी ऐड होगा आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू में. ट्रांजैक्शन वैल्यू 50 लाख प्लस इसमें अब 1,000 रुपीज हमने मान लिया था, कोई भी टैक्सेस है, 2 लाख रुपए भी और ऐड हो जाएगा. इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग कमीशन, पैकेजिंग, एनीथिंग और एंड एनीथिंग डन बाय सप्लायर इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लायर टिल डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर द सप्लाई ऑफ सर्विस इफ चार्ज टू द रिसिपियंट. देखो अब ये क्या है, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, एग्जाम्पल दिया हुआ इंक्लूडिंग कमीशन एंड पैकेजिंग, इंक्लूडिंग कमीशन एंड पैकेजिंग, तो कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, कोई भी सप्लाई से रिलेटेड है, सप्लाई से रिलेटेड है, चार्ज किया रिसिपियंट को, मैंने आपको एड कर दिया इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, कमीशन 2,000 रुपीज, पैकेजिंग 2,000 रुपीज, अदर एक्सपेंसेस 3,000 रुपीज, सगले एड होंगे, सबके सब एड होंगे, सारे के सारे एक्सपेंसेस एड होंगे, जो भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है इंक्लूडिंग कमीशन पैकेजिंग एंड एनीथिंग चार्ज बाय सप्लायर फॉर एनीथिंग डन इन रिलेशन टू द सप्लाई, तो बहुत ही बढ़िया लाइन कर डाल दी इन्होंने, एनीथिंग डन बाय सप्लायर इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लायर टिल डिलीवरी ऑफ द गुड्स, डिलीवरी तक क्या, डिलीवरी के बाद के नहीं, डिलीवरी के बाद का फिर वो अलग ट्रांजैक्शन हो गया, वो अलग से आपका रहेगा. टिल डिलीवरी ऑफ द गुड्स सप्लायर ने कुछ भी रिसिपियंट को चार्ज किया सब कुछ ऐड होगा. एनीथिंग चार्ज डन बाय सप्लायर इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई, कुछ भी सप्लायर ने किया हो, कुछ भी सप्लायर ने किया हो, सप्लाई से रिलेटेड होना चाहिए, चार्ज करना चाहिए, तो उसे भी ऐड करेंगे. तो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग कमीशन इन पैकेजिंग एंड एनीथिंग डन बाय सप्लायर इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स, कुछ भी सप्लायर ने किया उसे भी ऐड करेंगे. देन इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, पिछले चैप्टर में अगर याद हो तो पढ़ा था, सेक्शन 12 और 13 दोनों में दिया हुआ था, इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी जो है उस को आप यहां, मैंने आपको उस टाइम पे बोला था कि वैल्यूएशन में पड़ेंगे, इंक्लूजन में उसे ऐड करना पड़ेगा, बट इसका टाइम ऑफ सप्लाई कब आता है बेटा, इसका टाइम ऑफ सप्लाई जब ये पैसा आता है, बट इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ वैल्यू, वैल्यू का पार्ट तो है, वैल्यू तो है, जब पैसा आएगा तब होगा, भले से टैक्स ट्रांजैक्शन वैल्यू पे लगता है ना, जब पैसा आएगा तब उसका ट्रांजैक्शन वैल्यू पे उसे हो जाएगा, बट टैक्स तो इस पे लगेगा. यहां पे देने का पर्पस क्या हुआ, यहां पे देने का पर्पस हुआ कि भाई हाँ ये टैक्सेबल तो हो गया आइटम, यहां पे इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी जब मिल रहा है तो उसे भी टैक्सेबल मान लिया जाएगा. सब्सिडीज लिंक टू द प्राइस ऑफ सप्लाई अदर देन वन गिवन बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, तो अगर सब्सिडी है और वो क्या है लिंक्ड टू द प्राइस, अगर आपकी सब्सिडी लिंक की जा सकती है प्राइस के साथ, तो वो भी फॉर्म्स पार्ट ऑफ वैल्यू, वो भी फॉर्म्स पार्ट ऑफ वैल्यू अदर देन गिवन बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट. सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी तो बेटा उसको इंक्लूड नहीं करना, उसको इंक्लूड बिल्कुल नहीं करना है, वो चलेगा. तो 5 एडजस्टमेंट करना है आपको इंक्लूजन के, कौन कौन से 5 एडजस्टमेंट है, टैक्सेस सबसे पहले अदर देन जीएसटी, सारे टैक्सेस ऐड करोगे अदर देन जीएसटी. सेकेंड कोई भी टैक्सेस आपको एडजस्टमेंट में दिया हो, सेंट्रल एक्साइज का दिया हो, आपको म्युनिसिपल टैक्सेस दिया हो, कोई भी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स दिया हो, कोई भी टैक्स दिया हुआ है प्रॉब्लम में, आपको उसको ऐड करना है. जीएसटी को ऐड नहीं करोगे, जीएसटी को ऐड नहीं करोगे. सेकेंड
कोई भी थर्ड पार्टी पेमेंट दिया हुआ है, थर्ड पार्टी पेमेंट रिसिपियंट ने दिया है तो उसे भी ऐड करोगे, थर्ड इंसिडेंटल एक्सपेंसेस कोई भी हो ऐड करोगे, सप्लायर ने कुछ भी किया हो, एनीथिंग डन बाय सप्लायर, तो उसको भी ऐड करोगे आप। उसके बाद में इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी जब आएगी तब उसको उस पर टैक्स लगेगा, ठीक है। इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी आपको एग्जाम में दिया हुआ है तो ट्रांजैक्शन वैल्यू में उस टाइम पे ऐड मत करो, नीचे अलग से दो, जिस दिन आई है उस दिन आप उसका उसका जैसे 1 लाख रुपए इंटरेस्ट पेनल्टी आया, जीएसटी 18% है, 1 लाख × 18% 18,000 का जीएसटी, उसका टाइम ऑफ सप्लाई अलग ट्रिगर होगा, ठीक है। एग्जाम में एक प्रॉब्लम तो फुल फ्लेज आता है, उसमें आपके अपन वो एक प्रॉब्लम करेंगे, आई थिंक प्लेस ऑफ सप्लाई के लेक्चर के बाद अपन करते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई, इनवॉइस, देन पेमेंट कब करना है, देन वैल्यू क्या रहेगी, देन उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या, ऐसा एक फुल फ्लेज प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो वो फुल फ्लेज प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये 4-5 कॉन्सेप्ट्स आपके पूरे क्लियर हैं तो अपन साथ में ऐसे 1 या 2 प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सब्सिडीज लिंक टू प्राइस अदर देन गिवन बाय स्टेट एंड सब्सिडी, अगर आपकी लिंक्ड टू प्राइस है, अगर सब्सिडी को प्राइस से लिंक नहीं कर पा रहे हो तो फिर उस केस में वो ऐड नहीं होगी, एडहॉक सब्सिडी है तो, और सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट भी ऐड नहीं होगी, जो बाकी सब्सिडीज है जो लिंक कर सकते हो प्राइस से उसे ऐड किया जाएगा। देन एक्सक्लूजन्स फ्रॉम द वैल्यू, ये क्या हो गया, इंक्लूजन्स हो गए वैल्यू में, देन एक्सक्लूजन्स फ्रॉम द वैल्यू, डिस्काउंट्स गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस। अब एक्सक्लूजन क्या क्या है, डिस्काउंट है, डिस्काउंट बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, जब तक मैं सप्लाई कर रही हूं, आज मैंने आपको सप्लाई किया, आज से पहले या आज तक के मैंने आपको दे दिया डिस्काउंट की, ठीक है बेटा आप ये ले लो 10% डिस्काउंट आपको दे रही हूं, ये मेरा ट्रेड डिस्काउंट है, ये मेरा जो भी, आप मेरे को इमीडिएट पेमेंट कर रहे हो, मैं कैश डिस्काउंट दे रही हूं, इट कुड बी एनीथिंग। तो जो मैं डिस्काउंट दे रही हूं बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस, और इनवॉइस के ऊपर दिख रहा है, इनवॉइस के ऊपर दिख रहा है तो उसे माइनस कर दिया जाएगा, उसे बिल्कुल आप माइनस कर दोगे, टोटल आपने ट्रांजैक्शन वैल्यू की एड इंक्लूजन की माइनस जितना डिस्काउंट दे रहे हो वो माइनस हो जाएगा, उसके बाद ही आपकी नीचे टैक्सेबल वैल्यू आएगी, ठीक है। बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई है और रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस है, कोई दिक्कत नहीं, डिस्काउंट माइनस हो जाएगा। देन पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, मतलब मैंने आपको सप्लाई कर दी, मैंने आपको सप्लाई कर दी, 6 महीने बाद आपको डिस्काउंट दे रही हूं, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट हो सकता है, क्वांटिटी डिस्काउंट दे रही हूँ, मेरा कुछ ऐसा, मैंने आपको टारगेट दिया हो, आप मेरे डीलर, मैंने आपको बोला कि एक काम करो, ये मैं आपको प्रोडक्ट बेच रही हूँ, आप ऐसे 100 प्रोडक्ट बेचो या आप मुझसे 100 प्रोडक्ट खरीदो साल भर में, तो मैं आपको उसके बाद रिट्रोस्पेक्टिवली क्वांटिटी डिस्काउंट दूंगी, तो हो सकता है पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट भी पॉसिबल है। सो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट इंसेंटिव इफ नोन इन एडवांस एंड लिंक्ड विद द इनवॉइसेस एंड प्रोपोर्शनेट आईटीसी हैज बीन रिसीव्ड, तब ही रिवर्स होगा। कब, अगर मैंने आपको पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट दी है बट ये हमारा पहले ही तय हो गया था, हमारे एग्रीमेंट में पहले ही था कि नहीं ये हम मैं आपको दूंगी, मैंने आपको आज ही बता दिया कि बेटा आप सुनो, आप मेरे से 100 क्वांटिटी का ये प्रोडक्ट खरीदो, 100 क्वांटिटी का ये प्रोडक्ट खरीदो, जब आप 101वां क्वांटिटी खरीदोगे मैं आपको ये रिट्रोस्पेक्टिवली हर प्रोडक्ट पे 10% डिस्काउंट दूंगी। सो इज इट नोन इन एडवांस, यस मैम। इज इट लिंक्ड विद द इनवॉइसेस, यस मैम। एंड प्रोपोर्शनेट आईटीसी हैज बीन रिजर्व रिवर्स बाय द रिसिपिएंट, और आपने जो उस पर आईटीसी लिया वो आपने रिवर्स कर दिया, और वो आपने रिवर्स कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, वो डिस्काउंट को भी माइनस कर दिया जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा वो ट्रांजैक्शन वैल्यू में, वो भी हो जाएगा, वो फ्यूचर डेट पे आएगा, इसका एडजस्टमेंट बहुत कम है, एग्जाम में आएगा, ठीक है, क्योंकि वो फ्यूचर डेट से रिलेटेड होता है। आपको जनरली कौन सा एग्जाम में वह आना चाहिए डिस्काउंट, आपके जनरली एग्जाम में, ये आपको एमसीक्यू में थ्योरेटिकल में पूछे तो बहुत बात अलग है, बट ये देखो ये सारे चैप्टर्स है ना, उनको एमसीक्यू वगैरह ज्यादा नहीं पूछेंगे वो लोग वैल्यूएशन इन सब में, क्योंकि फुल फ्लेज प्रॉब्लम आ जाएंगे। जो छोटे छोटे चैप्टर्स बचते हैं, कंसेप्चुअल चैप्टर्स बचते हैं, जैसे फर्स्ट वाला चैप्टर हमने पढ़ा था, आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे, उन सब में आपसे थ्योरेटिकल ज्यादा पूछेंगे। ये जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चन चैप्टर्स है इनमें आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के 99% या केस स्टडी टाइप क्वेश्चन आने के 99% चांसेस होते हैं, ठीक है। तो वैल्यू में हो गया आपका क्या, डिस्काउंट माइनस करना है बिफोर और एट द टाइम वाला है, तो पोस्ट जो डिस्काउंट है वो भी एक्सक्लूड होता है ट्रांजैक्शन वैल्यू पे, अगर वो पहले से पता है, आईटीसी रिवर्स कर दिया आपने और लिंक्ड विद द इनवॉइस हो रहा है तो, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा, अब एक सेकेंड रुकना, देखो अभी क्या क्या पढ़ा एक बार फटाफट रिवाइज करो, आपको एग्जाम में दी हुई है ट्रांजैक्शन वैल्यू की, अपना आपका और मेरा ट्रांजैक्शन कितने में हुआ है, 50,000 रुपए में, तो 50,000 हो गया, ऐड करोगे आप इसमें क्या क्या, इंक्लूजन्स में बताओ क्या क्या है, सबसे पहले टैक्सेस अदर देन जीएसटी, तो फॉर एग्जाम्पल इस कोई प्रोडक्ट में 1,000 रुपीज के टैक्सेस लगे हैं, तो हाँ वो ऐड होंगे, हाँ बिल्कुल होंगे मैम, बिल्कुल होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। फिर उसके बाद में सेकेंड हमने देखा क्या चीज था, सेकेंड एडजस्टमेंट क्या इंक्लूड करोगे आप यहां पे करोगे, थर्ड पार्टी पेमेंट अगर कोई भी है, हाँ थर्ड पार्टी पेमेंट, अगर आपने, मैं याचना, आप मिस्टर ए, ठीक है, आप मिस्टर ए,
तो मिस्टर ए ने कोई पेमेंट किया थर्ड पार्टी को, मिस्टर ए ने क्या किया, कोई पेमेंट किया थर्ड पार्टी को, तो उस केस में जो थर्ड पार्टी है, जो उस केस में जो थर्ड पार्टी है, हाँ, उस केस में जो थर्ड पार्टी पेमेंट है वो भी क्या होगा, ऑब्वियसली मिस्टर ए ने किया है तो यहाँ पे इंक्लूड होगा. फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए से मैंने 2000 रुपीज करवा दिया, ठीक है, उसके बाद मैंने उनको पैकिंग के लिए चार्ज किया, तो क्या वो ऐड होगा? हाँ बिल्कुल होगा. क्यों ऐड होगा मैम? क्योंकि वो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग कमीशन एंड पैकेजिंग है. 1000 रुपीज मैंने पैकिंग के लिए चार्ज किया, 1000 रुपीज मैंने कमीशन के लिए चार्ज किया, तो क्या वो ऐड होगा? हाँ मैम बिल्कुल होगा. अदर चार्जेस के लिए मैंने उनको ऐड किया 5000 रुपीज, तो क्या वो ऐड होगा? हाँ बिल्कुल होगा. क्यों? क्योंकि एनीथिंग डन बाय सप्लायर इन रिलेशन टू द सप्लाई एंड चार्ज टू द रिसिपियंट, तो उसे भी ऐड करना है, तो अदर चार्जेस भी आपके यहाँ पे ऐड होंगे, बिल्कुल होंगे. उसके बाद में क्या हो गया भाई, क्या प्रॉब्लम है आज? ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे अगर सब्सिडीज है, कोई लिंक करी जा सकती है प्राइस के साथ, तो क्या वो सब्सिडी ऐड होगी? हाँ मैम बिल्कुल ऐड होगी. 1000 रुपीज की सब्सिडी आई है तो वो भी यहाँ पे ऐड होगी. अब इसके बाद आपने दिया सामने वाले को डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू, डिस्काउंट ऑन 10% ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू, डिस्काउंट आपने दिया है 10% ऑफ, फॉर एग्जाम्पल 50,000 पे आपने दिया हुआ है, तो माइनस हो जाएगा 5,000. अब ये जो अमाउंट आएगा ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा टैक्सेबल वैल्यू, और इस पे क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा. इस पे क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा. रेगुलर बैच के स्टूडेंट्स, अपन ने इस पे बहुत सारे प्रॉब्लम क्वेश्चन बैंक में सॉल्व किए हैं, तो इसमें आई एम प्रिटी श्योर अपन ने हर एक एक एडजस्टमेंट बहुत माइन्यूटली देखा है, तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा. जो लोग अब रेगुलर बैच के नहीं हो और जो लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, वो लोग ये काम कर सकते हैं, जो क्वेश्चन बैंक मैंने अवेलेबल करवाया है मेरी वेबसाइट पे, उस पे से डाउनलोड करके इस चैप्टर के प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लो, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आप इसमें कुछ दो चार प्रॉब्लम, जो बड़े वाले प्रॉब्लम दिए हुए हैं एंड में, वो आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, अब ये हो गया, तो इसमें आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है, इसकी आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत एंड मोमेंट पे हम कर रहे हैं, क्विक रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं ले रही हूँ. बाकी रेगुलर वालों लोगों ने तो किया ही होगा, जिन्होंने नहीं किया है वो प्लीज क्वेश्चन बैंक डाउनलोड करके इसके एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करें. ठीक है, बाकी अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई बड़ी बात नहीं है. आई थिंक हमने बहुत इनफ प्रैक्टिस करी है, तो ये रिवीजन के हिसाब से इतना सफिशिएंट है. नाउ अब अगर वैल्यू, अब अभी तो हमारी बात हो रही थी सेक्शन 15(1)(2) की, हमने बात करी, ठीक है, क्या वैल्यू इज ट्रांजैक्शन वैल्यू, दैट इज द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल, प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल. वन सेकेंड, हाँ, वैल्यू इज ट्रांजैक्शन वैल्यू विच इज द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल. उसके बाद उसमें हमने लिए इंक्लूजन, इंक्लूजन में 5 इंक्लूजन है जो दिए हुए सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 में. 15(1) किस बारे में बोलता है? वैल्यू इज ट्रांजैक्शन वैल्यू. 15(2) किस बारे में बोलता है? इंक्लूजन इन ट्रांजैक्शन वैल्यू. एंड देन 15(3) है, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करिए, 15(3) इज रिगार्डिंग वॉट? एक्सक्लूजन इन ट्रांजैक्शन वैल्यू, जिसमें डिस्काउंट का एडजस्टमेंट दिया. अब अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सेप्टेबल कब नहीं होगी? या तो सप्लायर और रिसिपिएंट रिलेटेड पार्टी है, या प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है, या नोटिफाइड सप्लायर, तीन ही केस में ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होती. या तो रिलेटेड पर्सन है, या प्राइस सोल कंसिडरेशन है, या नोटिफाइड सप्लायर, तो उस केस में वैल्यू किसके हिसाब से होती है? सीजीएसटी रूल्स के हिसाब से होती है. रूल स्टार्ट करेंगे सबसे पहले रूल नंबर 27. रूल नंबर 27 क्या चीज बोलता है? रूल नंबर 27 बोलता है कि भाई अगर आपका ट्रांजैक्शन कंसिडरेशन नॉट होल्ली इन मनी है, कंसिडरेशन नॉट होल्ली इन मनी है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में होगा भाई वैल्यू किस हिसाब से निकालेंगे? कंसिडरेशन नॉट होल्ली इन मनी मतलब पार्शियली इन मनी हो सकता है, पार्शियली अदर हो सकता है, टोटली नॉट, कंसिडरेशन टोटली नॉट इन मनी नहीं लिखा है, नॉट होल्ली इन मनी. ठीक है, नॉट होल्ली इन मनी. अगर यहां पे अदर, टोटल का टोटल अदर होता तो ये यहां पे फॉल नहीं होगा, यहां पे पार्टली मनी में हुआ है, पार्टली अदर हुआ है, तो उस केस में ट्रांजैक्शन वैल्यू, यहां पे हम वैल्यूएशन कैसे करेंगे देखते हैं. तो वैल्यू क्या होगी? ओपन मार्केट वैल्यू होगी. यहां पे एक बार दो टर्म्स हम लोग एक मिनट समझेंगे. व्हाट डू यू मीन बाय ओपन मार्केट वैल्यू एंड व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी क्वालिटी. ओपन मार्केट वैल्यू मतलब फुल वैल्यू ऑफ मनी एक्सक्लूडिंग टैक्सेस अंडर जीएसटी, मतलब फुल वैल्यू ऑफ मनी माइनस उसमें से जीएसटी अगर कुछ होगा तो उसको माइनस कर दो. पेबल बाय अ पर्सन टू ऑब्टेन सच supply at the time when the supply being value is made, provided sub supply is between unrelated person and the price is the sole consideration. तो मतलब जिस time मैंने आपको supply किया, अब for example मैंने आपको supply किया, आप और मैं निकल गए related person, तो इस case में open market value कैसे देखी जाएगी? इसी time पे मैंने किसी और को supply किया, जो कौन है? वो अनरिलेटेड पर्सन है, तो वो जो अनरिलेटेड पर्सन को एट द सेम टाइम मैंने सप्लाई किया, उसकी वैल्यू को बोला जाएगा ओपन मार्केट वैल्यू. एंड वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी का मतलब क्या होता है? सप्लाई ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी मींस एनी अदर सप्लाई मेड अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस विच इज सेम और
closely substantially resembles in respect of quality, quantity, functionality, reputation to the supply being valued. Value of like quantity and quality का मतलब है कि product same नहीं है but features same है, उसका quality same है, उसका quantity, functionality जैसे कि for example same है, ठीक है. जैसे कि मैं फ्रिज लेने जा रही हूँ LG का और Samsung का, features, quality सब कुछ same है तो वो क्या हो जाएगा, like kind and quality. और ओपन मार्केट वैल्यू, और यहाँ पे जो है जो फर्स्ट ओपन मार्केट वैल्यू मतलब सेम प्रोडक्ट की बात होती, वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी मतलब कि सिमिलर प्रोडक्ट है उसकी बात हो रही है, ठीक है. ओपन मार्केट वैल्यू में एलजी टू एलजी, मैंने एलजी का फ्रिज आपको भी बेचा, एलजी का फ्रिज किसी और को भी बेचा, उसमें ओपन मार्केट वैल्यू देखेंगे जो किसी और का अनरिलेटेड पर्सन का है. देन वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी, मैंने आपको एलजी का फ्रिज बेचा बट मैंने किसी और को सैमसंग का फ्रिज बेचा और दोनों की फीचर्स फंक्शनैलिटी एकदम सेम है तो वो लाइक काइंड एंड क्वालिटी में वैल्यू सिमिलर प्रोडक्ट की ली जाती है, ठीक है. अब देखना शुरू करेंगे यहाँ पे वैल्यूएशन रूल्स क्या बोलते हैं, वन टू वन रूल्स पढ़ेंगे फटाफट. वैल्यू शैल बी ईदर ऑफ द फॉलोइंग इन अ गिवन ऑर्डर. ओपन मार्केट वैल्यू, सबसे पहले ओपन मार्केट वैल्यू ली जाएगी. सेकेंड, ओपन मार्केट वैल्यू अगर नहीं है तो टोटल ऑफ कंसिडरेशन इन मनी, जितना पैसा मनी में दे रहे हो अमाउंट इक्वल टू कंसिडरेशन नॉट इन मनी. मतलब अगर ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है, अपन ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है तो फिर आपको क्या लेना पड़ेगा, इक्विवेलेंट मनी कंसिडरेशन लेना पड़ेगा, ठीक है. मैंने जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पहले एक लैपटॉप बेचा, ठीक है, अब वो लैपटॉप का मैंने किसी और को भी लैपटॉप बेचा तो उसकी ओपन मार्केट वैल्यू ले लेंगे. बट अगर मैंने किसी को लैपटॉप बेचा ही नहीं, मेरे पास ओपन मार्केट वैल्यू ही नहीं है तो फिर ठीक है. मैंने आपको फॉर एग्जांपल लैपटॉप 40,000 में दिया, उसके अगेंस्ट में आपने क्या किया, आपने मेरे को 20,000 रुपीज दिए और एक फोन दे दिया तो कैसे देखा जाएगा. यहाँ पे देखो टोटल कंसिडरेशन इन मनी, मनी में कितना दिया आपने मेरे को 20,000 प्लस अमाउंट इक्वल टू कंसिडरेशन नॉट इन मनी, तो जो आपने मेरे को फोन दिया उसका वैल्यू देखा जाएगा और वो हो जाएगा आपका क्या यहाँ पे सेकंड पॉइंट में वैल्यूएशन. थर्ड, वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी. अगर अब ये इक्विवेलेंट मनी कंसिडरेशन भी नहीं मिल रहा है सेकंड पॉइंट में तो क्या करोगे, फिर वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी देख के डालोगे. वो भी नहीं मिल रहा है तो कंसिडरेशन इन मनी प्लस वैल्यू ऑफ नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन कंप्यूटर एज पर रूल 30-31. अभी हम देखेंगे आगे रूल 30-31 आएंगे तो उसमें क्या है वो हम देखते हैं. तो यहाँ पे आपको देखना है क्या, सबसे पहले ओपन मार्केट वैल्यू, सेकंड इक्विवेलेंट मनी कंसिडरेशन, थर्ड वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी. और अगर वो भी नहीं है तो फिर उस केस में कंसिडरेशन मनी प्लस वैल्यूएशन किया जाएगा रूल 30-31 के हिसाब से. रूल 30-31 में अभी हम जाएंगे, ये किसमें था, कंसिडरेशन नॉट होली इन मनी है रूल 27. देन रूल 28, सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन या रिलेटेड पर्सन अदर देन एजेंट. एजेंट को अप्लाई नहीं होता रूल 28, ये एकदम क्लियरली याद रखना, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं किस किस को अप्लाई हो रहा है. डिस्टिंक्ट पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब एक पैन नंबर पर जितने जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो एक दूसरे के लिए क्या है, डिस्टिंक्ट पर्सन हुए. देन रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन हमने ऑलरेडी देखी हुई है, रिलेटेड पर्सन का मतलब क्या हुआ है, अदर देन एजेंट, एजेंट छोड़ के जो भी डिस्टिंक्ट पर्सन और रिलेटेड पर्सन है उनके केस में बेटा क्या वैल्यूएशन किया जाएगा, क्योंकि उनके इसमें ट्रांजैक्शन वैल्यू तो एक्सेप्ट नहीं होती. तो उनके इसमें सबसे पहले ओपन मार्केट वैल्यू, सेकेंड वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी, थर्ड वैल्यू एज पर रूल 30 and 31 इन दैट ऑर्डर, एंड लास्ट ऑप्शन टू सप्लायर. ये ऑप्शन है, प्रोविजो दिया हुआ था रूल 28 का, दैट द वैल्यू ऑफ गुड सोल्ड बाय सच रिसिपिएंट वैल्यू वुड बी 90% ऑफ प्राइस चार्ज बाय द रिसिपिएंट टू अनरिलेटेड कस्टमर. मतलब कि फॉर एग्जाम्पल याचना ने अपनी सिस्टर है उसकी संजना, उसको गुड्स बेचे और उसने क्या किया, उसने आगे बेचे मिस्टर ए को. मिस्टर ए और संजना आर नॉट रिलेटेड, मिस्टर ए एंड संजना आर नॉट रिलेटेड. तो इस केस में बेटा क्या होगा देखेंगे. तो इस केस में याचना ने संजना को गुड्स बेचे, वो दोनों रिलेटेड पार्टी, तो वैल्यूएशन आ गया रूल नंबर 28 से. अब रूल नंबर 28 से याचना और संजना के बीच का वैल्यूएशन या तो ओपन मार्केट वैल्यू हो सकता है, या तो वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी हो सकता है, या रूल 30-31 हो सकता है. एक ऑप्शन और है याचना के पास कि संजना ने जो मिस्टर ए को गुड्स बेचे, उसका 90% वैल्यू ले सकती है. ऑप्शन दिया हुआ है 90% ऑफ प्राइस चार्ज बाय रिसिपिएंट, रिसिपिएंट मतलब यहां एग्जांपल में संजना, 90% ऑफ प्राइस चार्ज बाय रिसिपिएंट टू अनरिलेटेड कस्टमर. तो अनरिलेटेड कस्टमर्स को मिस्टर ए को याचना ने, मिस्टर ए को संजना ने जो चार्ज किया है जो अनरिलेटेड है संजना से, उसका 90% वैल्यू लिया जा सकता है याचना और संजना के बीच के ट्रांजैक्शन का वैल्यू लेने के लिए, ठीक है. रिसिपियंट एलिजिबल फॉर ITC invoice value will be ओपन मार्केट वैल्यू, दैट इज वुड बी द टैक्सेबल वैल्यू. तो यहां पर अगर रिसिपियंट है मतलब संजना को एलिजिबल है ITC को, तो फिर जो भी वैल्यू डिक्लेयर किया गया है, वैल्यू डिक्लेयर इन द इनवॉइस वुड बी टेकन इन टू अकाउंट. तो अगर यहां पर
provided further that where recipient is eligible for ITC, the value declared in invoice shall be declared to be the open market value of the goods and services. तो जो भी यहाँ पे recipient अगर eligible है ITC के लिए, संजना अगर eligible है ITC के लिए, तो जो भी invoice value declare किया है उसको deem कर लिया जाएगा क्या taxable value, open market value, तो उसको मान लिया जाएगा और उसे accept कर लिया जाएगा. तो in short, अगर सामने वाला recipient related party या distinct person एलिजिबल फॉर ITC तो कोई टेंशन नहीं, जो इनवॉइस वैल्यू डिक्लेयर किया गया है वही टैक्सेबल वैल्यू मान लिया जाएगा. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कभी कभार क्वेश्चन पूछा जा सकता है. छोटी मोटी केस स्टडीज हमने क्वेश्चन बैंक में काफी कोई केस स्टडीज इसके डिस्कस करी हुई है. तो सबसे पहले ओपन मार्केट वैल्यू आप लोगे, नहीं तो लाइक काइंड एंड क्वालिटी का लोगे, नहीं तो रूल 30-31 के हिसाब से करोगे. और इसमें रूल 27 और किसी में ये ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे ये ऑप्शन है. ये दो प्रोविजन्स इंसर्ट किए नीचे गवर्नमेंट ने, और उसमें क्या बोला है कि भाई अगर रिसिपिएंट सामने किसी को बेचने वाला है, एज सच सेल करने वाला है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एज सच सेल करने वाला है, नॉट आफ्टर प्रोसेसिंग, एज सच सेल करने वाला है सामने, तो 90% ऑफ द वैल्यू चार्ज बाय द रिसिपिएंट टू द अनरिलेटेड कस्टमर. और अगर रिसिपिएंट एलिजिबल फॉर फुल ITC है तो उस केस में जो भी इनवॉइस वैल्यू डिक्लेयर की, तो ये दोनों भी ऑप्शन अवेलेबल है सप्लायर के पास, वो कोई भी ऑप्शन इसमें से एक्सरसाइज कर सकता है. ठीक है, तो ये बेटा रूल 28 हो गया, सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक पर्सन एंड रिलेटेड पर्सन अदर देन एजेंट. देन रूल 29, सप्लाई ऑफ गुड्स मेड और रिसीव थ्रू एन एजेंट. देखो अब ये गुड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, नॉट सर्विसेज, गुड्स की बात हो रही है यहां पे. अगर आपने गुड्स एजेंट को गुड्स बेचा है तो उस केस में देखो क्या होगा, वैल्यू शैल बी इधर ऑफ द फॉलोइंग, ओपन मार्केट वैल्यू ले लो या 90% ऑफ प्राइस चार्ज बाय रिसिपिएंट टू हिज अनरिलेटेड कस्टमर फॉर सप्लाई ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी. तो अगर यहाँ पे आप ओपन मार्केट वैल्यू भी ले सकते हो या जो रिसिपिएंट है आपका, फॉर एग्जाम्पल संजना मेरी एजेंट थी, तो संजना ने जो आगे चार्ज किया उसका 90% ले सकते हैं, एंड वैल्यू एज पर रूल 30 and 31 इन दैट ऑर्डर, 30-31 को इन दैट ऑर्डर आप ले सकते हो. तो ये हो गया बेटा रूल 29. अब बहुत देर से पढ़ रहे रूल 30-31, रूल 30-31 क्या है, रूल 30 कुछ भी नहीं है, बड़ा इजी है, एग्जाम में अगर आए तो 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर और एक्विजिशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द गुड्स और सर्विसेज. तो जो भी कॉस्ट है उसका 110% लेना है, जो भी कॉस्ट आएगी उसका 110% लेना है. ठीक है, एंड 31 रेसिडुअल मेथड है, गवर्नमेंट का बोलना है कि ठीक है अब कुछ नहीं पता है तो रेसिडुअल मेथड ले लो, बेस्ट जजमेंट मेथड भी बोल सकते हैं इसको. वैल्यू शैल बी डिटरमाइन यूजिंग रीजनेबल मींस कंसिस्टेंट विद द जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 15 एंड वैल्यूएशन रूल्स. यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला ठीक है आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको 27, 28, 29, 30 आप कहीं फॉल नहीं हो रहे हो या आपको वहां से वैल्यूएशन करना जम नहीं रहा है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप 31 अप्लाई कर सकते हो. और 31 में हमने क्लियरली बोला है आप वैल्यू क्या ले सकते हो, रीजनेबल मीन्स कंसिस्टेंट विद द जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 15. अपना कोई भी बेसिस लो पर अपने पास डॉक्यूमेंटेशन बरोबर रखना, हम जब ऑडिट करने आएंगे, चेक करने आएंगे, तब आपके पास उसका सपोर्टिंग होना चाहिए क्योंकि आपने रीजनेबल बेसिस लिया है. ठीक है, तो यहाँ पे रूल 30-31 हर एक में आपने देखा 27, 28, 29 तीनों में लिखा है कि अगर वहां के ऊपर के दो तीन पॉइंट से नहीं वैल्यूएशन होता है तो रूल 30-31 में जा सकते हो. रूल 30-31, 30 इज रिगार्डिंग व्हाट, 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक्विजिशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, प्रोविजन ऑफ गुड्स और सर्विसेज. ठीक है, एंड सेकेंड क्या चीज लिखी हुई है, 31 रेसिडुअल मेथड है, बट सर्विस के केस में फॉर सर्विसेज 31 कैन बी अडॉप्टेड बिफोर 31. बाकी सारों में देखना रूल 30-31 रूल्स हम कभी भी सीक्वेंशियली अप्लाई करते हैं 30 and 31, बट सर्विस के केस में, क्योंकि यार सर्विस के केस में 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन, क्योंकि सर्विस के केस में टाइम, मेरा टाइम का क्या वैल्यू है नहीं पता यार, बहुत मुश्किल है डिटरमाइन करना. मेरे एक घंटे का क्या वैल्यूएशन मैं निकालती हूँ वो मुझे ही पता, तो सर्विस के केस में टाइम निकालना, के टाइम का वैल्यूएशन करना बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए सर्विस के केस में उन्होंने बोला कि ठीक है आप 30 स्किप करके डायरेक्टली 31 में आ सकते हो. दिस कुड बी अ क्वेश्चन फॉर MCQ. ठीक है, एक बार फटाफट एक सेकंड में समझो आप ये वापस से रूल नंबर 29 क्या बोलता है. रूल नंबर 29 आता है कंसिडरेशन नॉट ओनली इन मनी, ओपन मार्केट वैल्यू, देन उसके बाद में इक्विवेलेंट मनी कंसिडरेशन, वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी या 30-31, देन सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट एंड रिलेटेड पर्सन. इसमें इक्विवेलेंट मनी वैल्यू नहीं है, इसमें क्या क्या, ओपन मार्केट वैल्यू, लाइक काइंड एंड क्वालिटी, 30-31. बट इसमें दो ऑप्शंस दिए हुए, क्या सामने वाले ने 90% जो भी चार्ज किया होगा रिसिपिएंट ने अपने अनरिलेटेड पर्सन से वो आप ले सकते हो, या अगर वो एलिजिबल है फुल ITC के लिए तो जो इनवॉइस वैल्यू डिक्लेयर किया है वो आप ले सकते हो. Then rule number 29 for goods other than agent, यहाँ पे goods और supply of goods made or received through an agent, value क्या होगी, open market value या 90% of the price charged to the unrelated customer for supply of like kind and quality या
रूल 30-31। अब 30-31 क्या है, 110% हो गया 30, एंड 31 क्या है, रेसिडुअल मेथड है 31, और 31 कैन बी अप्लाइड बिफोर 30 इन केस ऑफ सर्विसेज। ठीक है, ये थोड़े इंपॉर्टेंट रूल्स थे हमारे, कौन से, रूल नंबर 27 से लेकर के 31 तक के हमने किया। अब ये एक स्पेसिफिक रूल नंबर 31A इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज एन अमेंडमेंट, ठीक है, अदरवाइज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट अमेंडमेंट है इसलिए इंपॉर्टेंट है। सो वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लॉटरी, लॉटरी के केस में चांस टू विन इन बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग इन केस ऑफ अ रेस क्लब, इस केस में अगर लॉटरी, लॉटरी के केस में वैल्यूएशन कैसे करना, तो अगर लॉटरी रन बाय स्टेट गवर्नमेंट है, लॉटरी क्या है, रन बाय स्टेट गवर्नमेंट रन कर रही है लॉटरी, उस केस में 100 डिवाइडेड बाय 112 ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द टिकट वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, ये सब चीजों से वैल्यू निकाल रहे हैं, नॉट जीएसटी, वैल्यू के ऊपर फिर जो भी रेट दिया रहेगा वो जीएसटी लगेगा, आईजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी लगेगा, वो प्लेस ऑफ सप्लाई के चैप्टर के बाद समझेगा, यहां सिर्फ वैल्यू निकाल रहे हैं। तो वैल्यू कौन से में, अगर लॉटरी रन कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट या ऑथोराइज कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट, ये बस दो वर्ड याद रखने लॉटरी के केस में, वेदर इट इज रन बाय स्टेट गवर्नमेंट और इज इट ऑथोराइज बाय स्टेट गवर्नमेंट। इफ इट इज रन बाय स्टेट गवर्नमेंट देन द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, सो उसे क्या माना जाएगा, वैल्यू क्या होगी, 100 डिवाइडेड बाय 112 ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ टिकट और 100 डिवाइडेड बाय 112 ऑफ द प्राइस एज नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट बाय द ऑर्गेनाइजेशन स्टेट विच एवर इज हायर। अब आपको ये याद ही रखना पड़ेगा 100 डिवाइडेड बाय 112 या तो किसका, फेस वैल्यू का, या तो फेस वैल्यू क्या, या जो प्राइस नोटिफाई हो रहा है ऑफिशियल गैजेट में, प्राइस एज नोटिफाइड। ठीक है, इसका जो भी आपका हायर वैल्यू रहेगा वो आपका वैल्यू हो जाएगा, इसको इंक्लूसिव मानना जाता है क्योंकि, एंड वैल्यू ऑथोराइज बाय स्टेट गवर्नमेंट में क्योंकि 28% का रेट है, तो 100 डिवाइडेड बाय 128 ऑफ फेस वैल्यू और 100 डिवाइडेड बाय 128 ऑफ द प्राइस एज नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट विच एवर इज हायर, ये आपकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी, बहुत सिंपल है। एक्शनेबल फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ एक्शनेबल क्लेम इन द फॉर्म ऑफ चांस टू विन बैटिंग गैम्बलिंग हॉर्स रेस इन अ रेसिंग क्लब 100% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द बेट, आप बेट वगैरह करते हो उस केस में, और द अमाउंट पेड टू द टोटलाइजर, ये जो रहेगा ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। देन अब इसका मतलब क्या है, लॉटरी रन बाय स्टेट गवर्नमेंट और लॉटरी ऑर्गेनाइज ऑथराइज बाय स्टेट गवर्नमेंट, लॉटरी रन बाय स्टेट गवर्नमेंट, द लॉटरी नॉट अलाउड टू बी सोल्ड इन एनी अदर स्टेट अदर देन ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजिंग स्टेट। रन बाय स्टेट गवर्नमेंट होता है कि मतलब सिर्फ उसी स्टेट में बिक सकती है, और ऑथराइज का मतलब होता है लॉटरी ऑथराइज टू बी सोल्ड इन स्टेट अदर देन ऑर्गेनाइजिंग स्टेट ऑल्सो, एक से ज्यादा स्टेट्स में भी वो बिक सकती है, वो ऑथराइज होती है। अब इतना इन डेप्थ में पूछा तो एग्जाम में रन और ऑथराइज वर्ड यूज किया, तो बाकी कोई टेंशन की बात ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, नाउ ये हो गया हमारा रूल नंबर 31A हमने डिस्कस किया। नाउ रूल नंबर 32, वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफिक सप्लाइज। अब यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक सप्लाइज आएंगी, उन सबसे रिलेटेड हम यहाँ पे के बाद एक वैल्यूएशन पढ़ेंगे। ठीक है, एक स्पेसिफिक इस पे केस स्टडीज आपको पूछी जा सकती है। सो ये सब देखो याद नहीं रहता, किसी को भी याद नहीं रहेगा, आपको क्या, मुझे क्या, किसी को भी नहीं, ये सब चीजें आपको एग्जाम के दिन, देखो समरी बुक आपकी जो बनी है यहाँ पे हार्डली 96 पेजेस की है, तो ये आप बिल्कुल पढ़ सकते हो। अब मैं आपको बता दूं इस समरी बुक में चैप्टर कौन कौन से नहीं है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक तो आरसीएम का चैप्टर नहीं है, एक एग्जेम्पशन का चैप्टर नहीं है, ये दो चैप्टर्स नहीं है ब्रॉडली, एंड अभी इसमें रिफंड और अपील का चैप्टर नहीं है, वो मैंने सेपरेटली सर्कुलेट किए हैं, वो आपको मिल जाएंगे लास्ट। आप अभी वीडियोस देखते रहोगे, मैं ये मेरी वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगी, आई थिंक टुमारो आई वुड बी अपलोडिंग रिफंड एंड अपील्स एंड रिविजन। ये दो चैप्टर्स मैंने पहले सोचे थे कि नहीं जरूरत है इनको, क्योंकि अपन ने ऑलरेडी ये सब चार्ट फॉर्म में ही पढ़ा था, बट ये मैं अपने वेबसाइट में अपलोड करने वाली हूँ, रिफंड एंड अपील्स एंड रिविजन, वो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। रिगार्डिंग बात रही आरसीएम और एग्जेम्पशन, क्योंकि आरसीएम और एग्जेम्पशन हमने रेगुलर क्लास में ही कैसे पढ़ा हुआ है, चार्ट फॉर्म में पढ़ा हुआ है, तो वो आप वहीं से पढ़ सकते हो, उसमें हमको जरूरत नहीं है यहाँ पे समरी बुक में लेने की, वो आप वो चैप्टर्स आपको वहीं से पढ़ने हैं। ठीक है, बहुत शॉर्ट में लिया था हमने ऑलरेडी उसको, और बहुत ज्यादा चार्ट फॉर्म में बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़े थे हमने ये चार चैप्टर्स, तो इसमें से आरसीएम और एग्जेम्पशन तो आपको रेगुलर बुक से पढ़ना है। बची बात रिफंड्स की और अपील्स एंड रिविजन की, वो अपन यहाँ पे रिविजन करेंगे, और वो आपको मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, और मैं यूट्यूब चैनल और फेसबुक में भी सर्कुलेट कर दूंगी इसे। अब बची बात वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टन, बाकी उसके अलावा आपके जो भी जीएसटी का सिलेबस है पूरा कुछ सिलेबस इस यहाँ पे 21 चैप्टर्स जो दिए हुए हैं इसमें सारा कुछ सिलेबस ही कवर किया हुआ है। अब वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक सप्लाई, अब स्पेसिफिक सप्लाई में सबसे पहले परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी, अगर आप फॉरेन करेंसी खरीदते हो या बेचते हो तो उसमें क्या वैल्यूएशन लेना, तो ये देखो ये सब नोटिफाइड सप्लाई में बेटा ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं लेना है, रिलेटेड पार्टी में प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है, और जो नोटिफाइड सप्लाई, तो यहां से अब नोटिफाइड सप्लाईज जो स्टार्ट होती है,
तो यहां नोटिफाइड सप्लाइज में बेटा इनमें हमको ट्रांजैक्शन वैल्यू लेना ही नहीं है, दी हुई है तो भी नहीं लेना है, इनका वैल्यूएशन ऐसा ही होगा जैसा यहां पे दिया हुआ, जैसा यहां पे दिया हुआ। तो सबसे पहले अगर आप खरीद रहे हो या बेच रहे हो क्या फॉरेन करेंसी, तो उस केस में वैल्यूएशन कैसा होगा, करेंसी व्हेन एक्सचेंज फ्रॉम और टू INR, मतलब कि आपने यूएस डॉलर दिया और आपने INR लिया, या आपने INR दिया यूएस डॉलर लिया, उस केस में क्या होगा आपका डिफरेंस बिटवीन बाइंग एंड सेलिंग रेट एंड आरबीआई रेफरेंस रेट फॉर दैट करेंसी एट दैट टाइम। तो जो भी बाइंग सेलिंग रेट चल रहा है और उसमें से आपको आरबीआई का जो आज का रेट है उसको माइनस करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपका रेट है 61 रुपीज, सिंप्लिसिटी के लिए ले रही हूं, ठीक है, आपका 61 रुपीज है, जो भी बाइंग सेलिंग रेट है वो 61 रुपीज है और आपका आरबीआई का रेफरेंस रेट समझ लो 61.5 है, तो यहाँ पे क्या हो गया 0.5 का जो डिफरेंस है इनटू, फॉर एग्जांपल मैंने 1000 यूनिट्स में किया तो 500 रुपीज क्या हो जाएगी मेरी वैल्यू, नॉट जीएसटी, 500 रुपीज वुड बी व्हाट माय वैल्यू व्हेन मेरा परचेज और सेल किसमें होता है यहाँ पे, अगर बेटा मेरा परचेज और सेल डिफरेंस इन बाइंग एंड सेलिंग रेट इनटू एंड आरबीआई रेफरेंस रेट फॉर दैट करेंसी इनटू टोटल यूनिट्स ऑफ करेंसी। सेकंड, इफ आरबीआई रेफरेंस रेट इज नॉट अवेलेबल, अब उस दिन का आरबीआई का रेफरेंस रेट ही नहीं है, उस दिन का आरबीआई का रेफरेंस रेट ही नहीं है, तो फिर क्या होगा 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ INR प्रोवाइडेड रिसीव बाय द पर्सन चेंजिंग द मनी। तो जो भी 1% ऑफ INR, मतलब INR फॉर एग्जाम्पल 1000 यूनिट्स है मेरी, 1000 यूनिट्स इंटू 50 रुपीज का रेट ले रहे हैं सिंप्लिसिटी के लिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 50,000 रुपीज हो जाएगा, ठीक है, 1000 यूनिट्स थी मेरी, 1000 डॉलर्स थे, आई मीन 1000 यहाँ मेरे डॉलर्स थे, फॉर एग्जाम्पल रेट 50 रुपए है तो टोटल इंडियन रुपीज में कितना हो गया 50,000 रुपीज, तो ग्रॉस INR कितना हो गया 50,000, इसका जो 1% हो जाएगा वो क्या हो जाएगी वैल्यू हो जाएगी, इसका 1% हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा वैल्यू हो जाएगा। इफ नीदर ऑफ द करेंसी आर एक्सचेंज इन INR, अब INR में आपने एक्सचेंज ही नहीं किया, आपने क्या किया पॉन्ड दिया यूएस डॉलर लिया, पॉन्ड दिया यूएस डॉलर लिया, या यूएस डॉलर दिया पॉन्ड लिया, कोई भी दूसरी दो करेंसी एक्सचेंज करी INR छोड़ के, तो उस केस में वैल्यू कैसे निकलेगी 1% ऑफ लेसर ऑफ दीज टू अमाउंट, 1% ऑफ लेसर ऑफ दीज टू अमाउंट द पर्सन चेंजिंग मनी वुड हैव रिसीव्ड बाय कन्वर्टिंग देम टू INR ऑन दैट डे एट द रेफरेंस रेट ऑफ आरबीआई, मतलब कि आरबीआई का रेफरेंस रेट लिया जाएगा उस दिन का, आपने अगर यूएस डॉलर को INR, आप क्या कर रहे हो ट्रांजेक्शन क्या है करेंसी INR में कन्वर्ट नहीं हो रही, किसमें हो रही है यूएस डॉलर टू पाउंड हो रही है, तो उस केस में क्या होगा आपको सबसे पहले 1% ऑफ लेसर ऑफ टू अमाउंट, कौन सा अमाउंट, अगर आप यूएस डॉलर को INR पर कन्वर्ट करते तो जो भी इंडियन रुपीज आया उसका 1%, या आप जो पाउंड है पाउंड को आप INR में कन्वर्ट करते और उसका फिर 1% निकालते, इसमें से जो भी लेसर अमाउंट आएगा वो क्या हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी, वो वैल्यू हो जाएगी। सो अगर करेंसी आप फर्स्ट INR में एक्सचेंज कर रहे हो तो सिंपल बात है डिफरेंस बिटवीन जो भी बाइंग सेलिंग रेट है माइनस आरबीआई का रेट इनटू टोटल नंबर ऑफ करेंसी, वो क्या हो जाएगी हमारी, वो हमारी हो जाएगी मैम वैल्यू। सेकंड, अगर आरबीआई का रेफरेंस रेट नहीं है उस केस में 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ INR में कन्वर्ट करो, जो भी डेटा दिया है उसको उसका 1% निकालो। थर्ड, अगर आपकी कोई भी करेंसी INR में कन्वर्ट नहीं हो रही है तो उस केस में जो दोनों करेंसीज है उसको पहले INR में कन्वर्ट करो, उसका 1% निकालो, दोनों में जो भी 1% लेसर आता है, पाउंड को INR में कन्वर्ट किया हमने, यूएस डॉलर को INR में कन्वर्ट किया, जो भी दोनों का लेसर आएगा अमाउंट उसका 1% आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज हो जाएगा। देन ये हो गया एक ऑप्शन, ये क्या हो गया बेटा फर्स्ट ऑप्शन नंबर वन। देन एक और ऑप्शन अवेलेबल है, अगर आपकी करेंसी 1,00,000 रुपए तक के एक्सचेंज हो रही है तो 1% और 250 विच एवर इज हायर, 1% और 250 टू विच एवर इज हायर, अब ये स्लैब रेट जैसा है, ये कैसा है स्लैब रेट जैसा है। नेक्स्ट 1,00,000 टू 10,00,000 के लिए क्या है 1,000 प्लस 0.5%, मतलब 1,000 प्लस 1,00,000 रुपए तक के लिए तो 1,000, फॉर एग्जाम्पल आपका करेंसी एक्सचेंज 9,00,000 रुपए का है तो आपका क्या होगा 1,00,000 तक के का तो क्या हो गया हमारा 1,000 रुपीज हो गया, प्लस 0.5 किसके लिए लोगे आप जो वहां पे 8,00,000 रुपए एक्स्ट्रा है उसका, तो 0.5 ऑफ 8 लाख ये जो भी आएगा अमाउंट ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। देन ग्रेटर देन 10,00,000 है तो फिर क्या होगा 5,500 प्लस 0.51% सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ व्हाट 60,000 रुपीज, मैक्सिमम मिनिमम लिमिट क्या हो गई आपकी यहाँ पे 250 और मैक्सिमम लिमिट क्या हो गई यहाँ पे आपकी 60,000, तो मैक्सिमम आपको 5,500 प्लस 0.1% सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 60,000, तो यहाँ पे 5,500 प्लस पॉइंट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका ट्रांजेक्शन 30,00,000 का है, 30,00,000 का है, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 5,500 प्लस 0.1% ऑफ व्हाट 10,00,000 के ऊपर कितना है ऑफ 20,00,000, 0.1 × 20,00,000 यहाँ जो भी अमाउंट आएगा, बट मैक्सिमम क्या हो सकता है यहाँ 60,000 हो सकता है, मैक्सिमम क्या हो सकता है 60,000 हो सकता है, तो 5,500 प्लस 0.1% 0.1
हाँ 0.1% ऑफ 20 लाख्स, मैक्सिमम लिमिट 60,000 रुपीज। अभी हम कैलकुलेशन में नहीं जा रहे क्योंकि हम रिविजन बैच में, और ये दोनों में से जो भी आप ऑप्शन एक बार एक्सरसाइज कर लेते हो तो साल भर आपको यही रखना पड़ता है। अच्छा बेटा ये किसके एंगल से? आपके एंगल से नहीं, वो जो मनी चेंजर है ना, जो करेंसी चेंज करके दे रहा है, उसको ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना है साल में एक बार। जब उसने ऑप्शन एक्सरसाइज करा लिया उसके बाद पूरा साल उसका यही ऑप्शन चलते रहेगा। ठीक है, ये हो गया ऑप्शन वन। ऑप्शन टू परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी। सेकेंड है आपका, अगर हम जो पढ़ रहे हैं नोटिफाइड सप्लाईज, उसमें सेकेंड ऑप्शन है बुकिंग ऑफ टिकट बाय एयर ट्रैवल एजेंट। एयर ट्रैवल एजेंट के लिए है, एयर ट्रैवल एजेंट को वैल्यूएशन कैसे करना? तो अगर उसकी डोमेस्टिक बुकिंग्स है तो उसको 5% ऑफ बेसिक फेयर लेना है, और इंटरनेशनल बुकिंग्स है वो क्या लेना है, 10% ऑफ बेसिक फेयर। वापस से रिपीट कर रही हूँ, ये वैल्यू है नॉट जीएसटी। आई डोंट नो व्हाई स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज इन दिस। सो ये वैल्यू है, तो 5% ऑफ बेसिक फेयर इन केस ऑफ डोमेस्टिक बुकिंग एंड 10% ऑफ बेसिक फेयर इन केस ऑफ व्हाट, इंटरनेशनल बुकिंग्स के केस में 10% है। बेसिक फेयर का मतलब क्या? एयर फेयर ऑन विच कमीशन इज नॉर्मली पेबल टू एजेंट बाय द एयरलाइंस। तो एयर फेयर ऑन विच कमीशन इज नॉर्मली पेबल टू द एजेंट बाय द एयरलाइंस, जो भी एयरलाइंस नॉर्मली कमीशन पे करती है उसको, उस एयर फेयर जिस पे कमीशन पे करती है उसको क्या बोलते हैं, बेसिक फेयर बोलते हैं। तो डोमेस्टिक बुकिंग के केस में क्या है, 5%, इंटरनेशनल बुकिंग के केस में 10% ऑफ बेसिक फेयर। बेसिक फेयर अदर चार्जेस वगैरह देंगे तो उसे इग्नोर करना रहेगा आपको। अब नेक्स्ट इज, ये हो गया परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी, देन बुकिंग ऑफ टिकट बाय एयर ट्रेवल एजेंट, देन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के बारे में डिस्कस करेंगे। पॉलिसी विद ड्यूअल बेनिफिट ऑफ रिस्क कवर एंड इन्वेस्टमेंट। देखो अभी क्या निकालना है हमको, यहाँ पे आप जो निकाल रहे हो वो क्या चीज निकाल रहे हो, आप वैल्यू निकाल रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉलिसीज जिसमें क्या है, जिसमें टोटल रिस्क कवर है, उसको तो छोड़ ही दो, वो कोई बात ही नहीं हो रही। यहाँ पे बात हो रही है अगर कोई पॉलिसी है जिसकी, किसकी बात हो रही है, जिसमें रिस्क कवरेज प्लस इन्वेस्टमेंट एंड बेनिफिट है, तो उस केस में क्या होगा। सो उस केस में वैल्यू क्या रहेगी, तो आपको एग्जाम में दिया रहेगा इसका। अपने बहुत बढ़िया जो इंस्टीट्यूट का प्रॉब्लम था अरिहंत लिमिटेड वाला, वो अपने क्लास में किया था। तो पॉलिसी विद ड्यूअल बेनिफिट आपका रिस्क कवर भी और इन्वेस्टमेंट भी, तो आपको वो एग्जाम में दिया रहेगा। जो प्रॉब्लम रहेगा, प्रॉब्लम में आपको बताया रहेगा कि ये पॉलिसी में क्या क्या है, रिस्क कवर और इन्वेस्टमेंट दोनों भी है। तो उस केस में वैल्यू कैसे निकालना है, ग्रॉस प्रीमियम चार्ज लेस द अमाउंट अलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट सेविंग्स इफ सच अलोकेशन इज इंटीमेटेड टू द पॉलिसी होल्डर एट द टाइम ऑफ कलेक्शन ऑफ प्रीमियम। तो जो भी ग्रॉस प्रीमियम चार्ज है उसमें से माइनस क्या करोगे आप, एक मिनट, हाँ ये अरिहंत लाइफ वाला ही प्रॉब्लम था। ठीक है, हाँ सो अगर आपकी पॉलिसी जो है ड्यूअल बेनिफिट की है, रिस्क कवर और इन्वेस्टमेंट की, तो जो भी ग्रॉस प्रीमियम चार्ज कर रहे हो माइनस उसमें जो भी अमाउंट अलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट है वो आप माइनस कर दोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी। अगर आपकी सिंगल प्रीमियम एनुइटी पॉलिसी, देखो आपके एग्जाम में क्लियर है लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का प्रॉब्लम दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे प्रॉब्लम दिया हुआ है, ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का प्रॉब्लम है, और यहाँ पे आपको लाइन से सब चीज दी है कि भाई अमाउंट अलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट है या अमाउंट नॉट अलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट है, वो सारे एडजस्टमेंट आपको दिए रहेंगे, आपको उस पर ये कॉन्सेप्ट्स लगाने हैं। सो सिंगल प्रीमियम एनुइटी पॉलिसी, तो 10% ऑफ सिंगल प्रीमियम चार्ज फ्रॉम द पॉलिसी होल्डर, जो भी पॉलिसी होल्डर है उससे 10% सिंगल प्रीमियम जो भी चार्ज आप करोगे वो क्या हो जाएगा आपका, वो आपकी वैल्यू हो जाएगी। और अदर केसेस में, मतलब अगर ये इनमें ऊपर फॉल नहीं होता है, देन 25 सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी आपकी नहीं है, तो 25% ऑफ प्रीमियम चार्ज इन द फर्स्ट ईयर एंड 12.5% ऑफ प्रीमियम चार्ज फॉर द सब्सिक्वेंट ईयर। अबव नॉट टू अप्लाई इफ द एंटायर प्रीमियम इज टुवर्ड्स रिस्क कवर, तो फिर ये अप्लाई हो गई नहीं, खत्म हो गई बात। ठीक है, तो ये कब अप्लाई होगा, जब ड्यूअल पॉलिसी है आपकी, ड्यूअल पॉलिसी रिस्क कवरेज की भी और इन्वेस्टमेंट की भी, तो जो इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट है वो हट जाएगा, ग्रॉस प्रीमियम माइनस जो इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट है वो माइनस कर दिया जाएगा, उस पर उन्हें जीएसटी नहीं चाहिए क्योंकि, तो ग्रॉस प्रीमियम माइनस इन्वेस्टमेंट पे एलोकेट किया गया वो खत्म हो गया। सेकंड बात हो गई, अगर सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी है तो 10% ऑफ सिंगल प्रीमियम चार्ज, और थर्ड क्या केस है, अगर अदर केसेस है तो 25% ऑफ प्रीमियम चार्ज इन द फर्स्ट ईयर एंड 12.5 इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स। देखो जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे उनके लिए ये बहुत ज्यादा कितना समझ में आएगा मुझे नहीं पता, ये क्विक रिविजन है, ये रिविजन के हिसाब से ही वीडियोज आप देखिए। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, अब सेकेंड हैंड गुड्स के केस में क्या है, नोटिफाइड है, ये भी सप्लाई सेक्शन 32 के हिसाब से नोटिफाइड है। फर्स्ट हमने बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज करेंसी देखा, उसके बाद एयर ट्रेवल एजेंट देखा, फिर लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को नोटिफाई किया। उसके बाद अगर आप सेकेंड हैंड गुड्स में डील कर रहे हो तो उस केस में वैल्यू कैसे लेना, उस केस में ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं लोगे। सेकेंड हैंड गुड्स के केस में बहुत बड़ी स्टोरी है, हम अभी सिर्फ ये स्पेसिफिक रहेंगे कि उस केस में वैल्यूएशन क्या लेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे अनरजिस्टर्ड डीलर्स इन्वॉल्व थे इसीलिए ये आया था।
सो वैल्यू वुड बी सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस, इग्नोर इफ इट इज नेगेटिव. तो आप इसमें क्या लोगे, सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस लोगे, सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस लोगे. ठीक है, परचेज वैल्यू. अब ये मतलब ये मार्जिन स्कीम इसको भी बोला जाता है. मतलब ये सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग, आपने 100,000 रुपए में बेचा, फॉर एग्जाम्पल आपने 70 में खरीदा था, तो ये 30,000 रुपीज जो है आप इस पे ही जीएसटी पे करोगे. आप इस पे ही 30,000 जो एडिशनल आपकी मार्जिन है उस पे ही जीएसटी पे करोगे. क्योंकि बहुत सारे अनरजिस्टर्ड डीलर थे, आपको आईटी से मिलता नहीं था, तो फिर उस केस के लिए ये आया था कि ठीक है आप ऐसा कर सकते हो, जो भी सेकेंड हैंड गुड्स है, बॉटल्स ले रहे हो, आप कुछ भी चीज ले रहे हो सेकेंड हैंड, हर एक सेकेंड हैंड गुड को ये अप्लाई होता है. तो सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस लोगे और इसे मार्जिन स्कीम बोला जाता है, और इसी पे आपको जीएसटी लगेगा सेकेंड हैंड गुड्स के केस में. देन परचेज वैल्यू ऑफ गुड्स रीपोजेस्ड फ्रॉम द अनरजिस्टर्ड बोरोअर. आपको याद है बैंक अपने को गाड़ियां वाड़ियां देती है, फिर अपन ने पेमेंट नहीं किया तो बैंक अपने से गाड़ी लेकर के चले जाती है और फिर वो गाड़ी बेच देती है, तो वो भी एक तरह से सेकेंड हैंड गुड्स हुआ, वो भी एक तरह से सेकेंड हैंड गुड्स हुआ. तो उसके केस में देखो क्या क्लैरिफाई किया है. तो परचेज वैल्यू ऑफ गुड्स रीपोजेस्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड बोरोअर, परचेज प्राइस माइनस 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल बाय द पर्सन मेकिंग रीपोजेशन. तो उस केस में आप वैल्यू क्या लोगे, जो भी परचेज प्राइस है, जो भी परचेज प्राइस है जितने खरीदा था, माइनस 5% हर एक क्वार्टर का या पार्ट देयर ऑफ. पूरा क्वार्टर भी हो सकता है, अगर आपने फॉर एग्जांपल 5 महीने यूज किया तो एक पूरा क्वार्टर हो गया, एक आधा क्वार्टर हो गया, तो दैट वुड बी ट्रीटेड एज व्हाट, 2 क्वार्टर्स. और रेट क्या लिया जाएगा फिर, 5 and 5 10%. तो 5% पर क्वार्टर ऑफ पार्ट देयर ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल बाय द पर्सन मेकिंग रिपोजेशन. जिस दिन से परचेज किया उस दिन से रिपोजेशन तक के का, तो उसको वैल्यू मान ली जाएगी. ठीक है, परचेज वैल्यू मान ली जाएगी, यहाँ पे बाइंग प्राइस हो जाएगा वो. देन कूपन, कूपन वाउचर वैल्यू, मनी वैल्यू ऑफ सप्लाई रिडीमेबल अगेंस्ट सच वाउचर. ठीक है, ये तो अगर आप ये ठीक है, ये आपको रिपोजिशन वाला समझा, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू हो गई, एक सेकेंड, ये परचेज वैल्यू हो गई. फिर जितने भी बैंक सेल करेगा, सेल बैलेंस परचेज जो रहेगा वो आपकी क्या हो जाएगी, मार्जिन हो जाएगी. देन कूपन वैल्यू वाउचर आप ये हम देखेंगे, जो हमने देखा था टाइम ऑफ सप्लाई में कि भाई वाउचर वगैरह की, वाउचर की वैल्यू क्या लेना. ठीक है, वाउचर इफ इट इज आइडेंटिफाइबल देन द टाइम ऑफ सप्लाई इज एट द टाइम ऑफ इशू, एट द टाइम ऑफ इशू. बट वॉट इज द वैल्यू मैन, तो वैल्यू इज मनी वैल्यू ऑफ सप्लाई रिडीमेबल अगेंस्ट सच वाउचर. उस वाउचर के अगेंस्ट आप कितने की खरीदी कर सकते हो, कितनी मनी वैल्यू पे वो रिडीमेबल है, वो उसकी वैल्यू होगी, रिडीमेबल अगेंस्ट सच वाउचर. देन नोटिफाइड सर्विसेज बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन विदाउट कंसिडरेशन. डिस्टिंक्ट पर्सन फॉर एग्जाम्पल मेरी ब्रांचेस हैं, उनको मैं कुछ नोटिफाइड सर्विसेज अगर देती हूँ तो उस केस में वैल्यू वुड बी नील इफ आई टी सी इज अवेलेबल. तो उसमें वैल्यू नील मान ली जाएगी अगर आई टी सी अवेलेबल है, तो अभी इसमें कुछ नोटिफाइड है नहीं. ठीक है, देन रूल नंबर 33 देखेंगे, विच इज वॉट सप्लाई एज अ प्योर एजेंट. प्योर एजेंट के हिसाब से अगर आपने सप्लाई किया है, प्योर एजेंट के हिसाब से मतलब कि मैंने आपको, मैं अपनी सर्विस दे रही हूँ, मैं सीए हूँ, मैं अपनी सर्विस दे रही हूँ, आपने मुझे बोला कि आपको कोई कंपनी सेक्रेटरी का ये मेरे को काम करवाना है, आप करवा दो. मैंने यार मैं तो नहीं करती, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई डू ओनली जीएसटी कंसल्टेंसी, मेरा स्कोप एकदम लिमिटेड है. वो बोले नहीं नहीं बट आप ये मेरा कुछ फॉर्मेशन वगैरह का काम है, आई रियली डोंट नो एनी ऑफ द सीएस, यू प्लीज गेट इट डन. तो मैंने बोला ओके फाइन, जितना वो चार्ज करेगा मैं आपसे चार्ज करूंगी, मेरे को उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं है. तो मैंने क्या किया, मैंने एज अ प्योर एजेंट आपको सर्विस दी, मैंने ऐसा प्योर एजेंट आपको सर्विस दी. तो प्योर एजेंट के केस में क्या है, कॉस्ट इनकर्ड बाय सप्लायर एज अ प्योर एजेंट ऑफ द रिसिपिएंट शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वैल्यू. प्योर एजेंट के केस में जो भी कॉस्ट है वो एक्सक्लूड की जाएगी क्या, वैल्यू से. प्योर एजेंट किसे बोलते हैं, हु हैज अ कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट नीदर इंटेंड्स टू होल्ड नॉर होल्ड्स एनी, होल्ड्स कर देना इसको, एनी टाइटल and does not use his own interest and receives the actual amount incurred. मतलब मेरा और आपका एक contractual agreement है, मेरा कोई title नहीं है, मैंने कोई use नहीं करा है अपने interest के लिए, और मैंने actual amount जो incur किया था वही आपसे receive किया है. कंडीशन, सप्लायर एक्ट एज अ प्योर एजेंट, ये कभी थेरेटिकल में आ सकता है. मैंने एज अ प्योर एजेंट काम किया, मैंने पेमेंट जो लिया आपसे वो सेपरेटली इंडिकेट किया इनवॉइस में, एंड इट इज एडिशन टू द सर्विसेज आई सप्लाइड ऑन माय ओन अकाउंट. जो मैं आपको सर्विस दे रही हूँ उसके एडिशन में मैंने वो सर्विस दी है, तो उस केस में उसे प्योर एजेंट बोल सकते हैं. जो भी प्योर एजेंट अपने नाम पे, जो भी प्योर एजेंट आपसे रिसीव करेगा उसे क्या बोला जाएगा, उसे एक्सक्लूड किया जाएगा वैल्यू. द कॉस्ट इनकर्ड बाय प्योर एजेंट शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई. इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स है, इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन है, बट अभी हम सिर्फ इतना ही आप ध्यान रखिए कि प्योर एजेंट के केस में जितने भी आप चार्ज करते हो इट शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई. देन रूल नंबर 34, रेट ऑफ एक्सचेंज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू. अब रेट ऑफ एक्सचेंज क्या लेना, रेट ऑफ एक्सचेंज क्या लेना वैल्यू के लिए, गुड्स के केस में रेट ऑफ एक्सचेंज किस दिन का लेना,
जो नोटिफाई करेगा सीबीआईसी, टाइम ऑफ सप्लाई जो आपका डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, जो भी गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई का डेट फिक्स होता है उस दिन का, अगर आपका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, आपके डॉलर्स में वैल्यू दिया हुआ है, तो उस केस में आप टाइम, आप रेट क्या लोगे? आपको कन्वर्जन तो करना पड़ेगा INR में, तभी तो वैल्यू आएगी। तो वैल्यू लाने के लिए, कन्वर्जन करने के लिए रेट कौन सा लेना? तो जो भी टाइम ऑफ सप्लाई फिक्स होता है टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजन के हिसाब से, उस डेट का आप ले लोगे रेट सीबीआईसी जो नोटिफाई करेगा वो, ठीक है। एंड सर्विस के केस में रेट एज पर गैप ऑन द डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सच सर्विसेज, रेट जो भी नोटिफाई करेगा कौन सा, गैप ऑन द डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सच सर्विसेज, यहां पे आपको वो लेना पड़ेगा। गुड्स के केस में सीबीसी का रेट लेना है, सर्विस के केस में गैप का रेट लेना है, टाइम ऑफ सप्लाई का ही रेट लेना है दोनों भी केस में। और अगर वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ एक्साइज ड्यूटी है, अगर वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ एक्साइज ड्यूटी है तो उसको एक्सक्लूसिव ऑफ एक्साइज ड्यूटी कैसे करेंगे, ये आपको बिल्कुल पता है। वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ एक्साइज ड्यूटी, फॉर एग्जाम्पल 112,000 रुपए जो है वो इंक्लूसिव ऑफ एक्साइज, सॉरी एक्साइज ड्यूटी नहीं, जीएसटी, वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, तो 112,000 फॉर एग्जाम्पल इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, तो आप यहां पे क्या करोगे, समझा आपको, 112,000 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 12% जो भी हमारा होता है रेट 112 मल्टीप्लाइड बाय 12, यहां पे क्या आ जाएगा 1,00,000 रुपए, तो ये आपका क्या आ जाएगा एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी वैल्यू आ जाएगी, एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी वैल्यू यहां पे आ जाएगी। अब बेटा ये हमारा कंप्लीट होता है क्या वैल्यू वाला चैप्टर। नेक्स्ट अब कुछ इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशंस आए वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कुछ तीन क्लैरिफिकेशंस यहाँ पे आए हैं हम देखते हैं वो। सबसे फर्स्ट क्लैरिफिकेशन, फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 15(2), मतलब क्या इंक्लूजन्स इन ट्रांजैक्शन वैल्यू की बात कर रहे हैं बेटा, कि इसमें TCS अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स, डाउट क्या था, इश्यू क्या था कि भाई TCS को इंक्लूड किया जाए या नहीं किया जाए इंक्लूजन में, तो गवर्नमेंट ने क्या क्लैरिफाई किया, गवर्नमेंट ने बेटा ये क्लैरिफाई किया, द TCS अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स वुड नॉट बी इंक्लूडेबल एज इट इज एन इंटरिम लेवी एंड नॉट हैविंग द फाइनल कैरेक्टर ऑफ टैक्स, क्योंकि ये इंटरिम लेवी है, ये फाइनल टैक्स नहीं है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स है, दिस इज नॉट द फाइनल इनकम टैक्स, यहाँ पे ये इंटरिम लेवी है, तो इसलिए आप इनको इंक्लूड नहीं करेंगे। अब आपके एग्जाम में प्रॉब्लम आ रहा है, एक एडजस्टमेंट में TCS कलेक्टेड दिया, आपको उसको वैल्यू में इंक्लूड नहीं करना है, नहीं करना है। एक्साइज ड्यूटी दिया है, हाँ बेटा बिल्कुल इंक्लूड करेंगे, क्यों, 15(2) में लिखा है ना एनी टैक्सेस ड्यूटी, वहां पर लिखा हुआ है क्लियरली सारे टैक्सेस ड्यूटी एक्सेप्ट जीएसटी, इफ चार्ज सेपरेटली बाय सप्लायर आपको इंक्लूड करना है। देन नेक्स्ट, इन द BF मॉडल BC मॉडल ऑपरेटेड बाय बैंकिंग कंपनी, अब इस मॉडल में होता क्या है, एक सेकंड में आपको बैकग्राउंड बताती हूं। बैंक ने बिजनेस फैसिलेटर बिजनेस करस्पॉन्डेंट अपॉइंट किए, वो बिजनेस फैसिलेटर बिजनेस करस्पॉन्डेंट क्या करेंगे, वो बैंक को सर्विसेज दे रहे हैं जिसके लिए बैंक ने यहां पे उन्हें बोल के रखा हुआ है कि ठीक है भाई आप यहां पे सर्विस दे रहे हो, बट आपको कस्टमर को कुछ भी चार्ज नहीं करना है, कस्टमर को मैं चार्ज करूंगा ट्रांसपेरेंट मैनर में, आप जो भी हमारे कस्टमर्स रहेंगे उनको बैंक चार्ज करेगा, बैंक के बुक में उनकी अकाउंटिंग होगी, अगर बिजनेस करस्पॉन्डेंट से कोई गलती होती है, एक्ट ओमिशन होता है, तो बैंक रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो इस केस में इश्यू क्या था कि भाई कौन यहां पे सर्विस प्रोवाइडर माना जाएगा, किसका वैल्यू ऑफ सप्लाई रहेगा, किसको जीएसटी पे करना पड़ेगा, बैंक और बिजनेस फैसिलिटेटर करस्पॉन्डेंट के मॉडल में। तो क्लैरिफिकेशन क्या आया ये पढ़ते हैं, द बैंकिंग कंपनी इज द सर्विस प्रोवाइडर, बैंकिंग कंपनी को यहां पे सर्विस प्रोवाइडर माना गया, द बैंकिंग कंपनी इज लाइबल टू पे जीएसटी ऑन द एंटायर वैल्यू ऑफ सर्विस चार्ज, जितना भी सर्विस चार्ज वो कस्टमर से कलेक्ट कर रही है पूरे पे टैक्स पे करना पड़ेगा बैंकिंग कंपनी को, और फीस चार्ज टू कस्टमर वेदर और नॉट रिसीव वाया BF और BC, चाहे वो रिसीव करे या ना करे BF या BC से तो भी उसे पे करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन इन केस ऑफ डिस्काउंट्स, डिस्काउंट्स पे कुछ क्लैरिफिकेशन आए, तो डिस्काउंट इंक्लूडिंग बाय मोर सेव मोर ऑफर, अगर कोई बाय मोर सेव मोर ऑफर चल रहा है जैसे कि 5% पे, 5% अगर यहाँ पे 5,000 की शॉपिंग करते हो 5% ऑफ, 10,000 की शॉपिंग करते हो 10% ऑफ, 30,000 की शॉपिंग करते हो यहाँ पे 20% ऑफ एंड सो ऑन, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे आपके पास स्कीम है बाय मोर सेव मोर, स्टैगर्ड डिस्काउंट भी इसको बोलते हैं, तो ये एक डिस्काउंट हो गया। क्या आपको पता है आप यहाँ पे 30-50,000 की शॉपिंग करोगे तो आपको यहाँ पे 20% ऑफ मिलने वाला है? हाँ आपको पता है, आपको पता है। देन डिस्काउंट ऑफर्ड बाय सप्लायर टू कस्टमर इंक्लूडिंग स्टैगर्ड डिस्काउंट अंडर बाय मोर सेव मोर स्कीम जो हमने अभी समझा, एंड पोस्ट सप्लाई वॉल्यूम डिस्काउंट। व्हाट डू मीन बाय पोस्ट सप्लाई वॉल्यूम डिस्काउंट? मैंने बोला यार मेरा यहाँ पे टीवी का बिजनेस है, आप 100 TV बेचो, मैं आपको ईयर एंड पे 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दूंगी, तो ये क्या वॉल्यूम डिस्काउंट है? हाँ है।
स्टैब्लिश बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, ये जनरली स्टैब्लिश होंगे बिफोर या एट द टाइम ऑफ सप्लाई में. तो इस केस में क्या होगा, इट शैल बी एक्सक्लूडेड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सप्लाई इफ इट सेटिस्फाई द पैरामीटर्स लेड डाउन इन सेक्शन 15(3) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, including reversal of ITC by the recipient of supply as it is attributable to the discount on the basis of document issued by the supplier. 15(3) में क्या लिखा हुआ है, 15(3) में clearly लिखा हुआ है कि अगर यहाँ पे establish है आपके पहले से agreement में, it could be linked to invoices, सामने वाले ने ITC reverse कर दिया है, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा क्या, discount का exclusion यहाँ पे values है. और yes, इस case में भी यही होगा. इस case में क्या होगा, स्टैगर्ड डिस्काउंट है, वॉल्यूम डिस्काउंट है, पहले से टर्म्स में एग्रीड था, अभी क्रेडिट नोट से मैंने आगे पास कर दिया डिस्काउंट, सामने वाले रिसिपिएंट ने रिवर्स कर दिया यहाँ पे आईटीसी, तो इस केस में इसे एक्सक्लूड किया जा सकता है वैल्यू ऑफ सप्लाई से. द नेक्स्ट सेकेंडरी डिस्काउंट, दीज आर डिस्काउंट विच आर नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड और आर ऑफर्ड आफ्टर द सप्लाई इज ऑलरेडी ओवर. तो ये डिस्काउंट कौन से, ये दीज आर नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, हाँ ये दीज आर नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई और आर ऑफर्ड आफ्टर द सप्लाई इज ऑलरेडी ओवर, या सप्लाई पूरी हो गई है उसके बाद में ये ऑफर किए जाते हैं. सो सेकेंडरी डिस्काउंट शैल नॉट बी एक्सक्लूडेड वाइल डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ सप्लाई एज सच डिस्काउंट आर नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड द कंडीशंस लेड डाउन इन 15(3)(b) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट आर नॉट सेटिस्फाइड. क्योंकि सेकेंडरी डिस्काउंट सप्लाई के टाइम, जब मैं टाइम ऑफ सप्लाई TOS के टाइम पे मुझे पता ही नहीं है कि मैं सेकेंडरी यहाँ पे डिस्काउंट कोई देने वाली हूँ, मैंने बाद में आपको कोई डिस्काउंट दे दिया, क्या हुआ इस केस में, मैंने आपको बाद में कोई डिस्काउंट दे दिया, तो उस केस में गवर्नमेंट ने बोला कि भाई दीज आर सेकेंडरी डिस्काउंट, इट शेल नॉट बी एक्सक्लूडेड वाइल डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ सप्लाई, क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई के पहले टाइम पे पता ही नहीं था, दीज वॉज नॉट अग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, सो दीज शुड नॉट बी एक्सक्लूडेड, इसको बेनिफिट नहीं मिलेगा. ठीक है, तो ये कुछ क्लैरिफिकेशंस थे बेटा जो आपके एग्जाम के लिए आए हैं. बाकी वैल्यूएशन के सारे प्रोविजंस एग्जाम के लिए सेम है बिल्कुल, मतलब कोई अमेंडमेंट नहीं है. बाकी ये ना रूल्स में अमेंडमेंट है ना सेक्शन 15 में कोई अमेंडमेंट है, सिर्फ ये तीन क्लैरिफिकेशंस आए हैं जो एडिशनल है पिछले अटेम्प्ट से, तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया. सो दिस इज फॉर द क्विक रिविजन एंड वी हैव कंप्लीटेड नाउ व्हाट चैप्टर नंबर 6 which was regarding value of supply. Within 3 minutes we are going to revise it. In the last value would be what, transaction value, what are the inclusions in the transaction value, the inclusions in the transaction value and kya add karenge, taxes other than GST, then incidental expenses hum add karenge, third party payments add karenge, subsidies other than subsidy of central and state government add karenge, interest late fee penalty for delay in payment of consideration bhi value ka part form hoge, discount minus karenge before or at the time of supply jo hai usko baad mein diya hai discount, to agar wo aap kar sakte ho kya, link invoice se advance pe pata hai ITC रिवर्स कर रहा है रिसिपिएंट, तो उसे भी एक्सक्लूड कर सकते हैं. बट अगर रिलेट, अब ये हो गई वैल्यू जो ट्रांजैक्शन वैल्यू 15(1), 2, 3 की बात, अब 15(4) और 5 में आएंगे. तो अगर आप रिलेटेड पार्टी हो या प्राइस सोल कंसिडरेशन है या नोटिफाइड सप्लाई है, तो किसके हिसाब से वैल्यूएशन होगा, रूल्स के हिसाब से. सबसे पहले रूल नंबर 27, कंसिडरेशन नॉट ओनली इन मनी, वैल्यू ऑफ ओपन मार्केट वैल्यू, इक्विवेलेंट मनी कंसिडरेशन, वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी, रूल 30(31). ठीक है, आप भी मेरे साथ इतना फास्ट रिवाइज करो, मुझे याद हो सकता है तो आपको तो बिल्कुल याद हो सकता है, मैं ये बन गई हूं आपको बनना है, सो आपको बिल्कुल ये याद करना है. देन रूल नंबर 28 रिगार्डिंग व्हाट सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट एंड रिलेटेड पर्सन, उसमें क्या लेना है, ओपन मार्केट वैल्यू, वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी, रूल 30(31), उसके पास दो ऑप्शन और है, क्या सामने वाले ने जो प्राइस चार्ज किया उसका 90% ले सकता है, या जो भी वैल्यू डिक्लेयर्ड इन इनवॉइस है उसे भी एक्सेप्ट कर सकते हैं अगर आईटीसी रिसिपिएंट को मिलता है तो, क्योंकि गवर्नमेंट को टेंशन नहीं, आईटीसी मिल रहा है मतलब कि टैक्स तो पे करने ही वाला है टैक्स. देन सप्लाई ऑफ गुड्स रिसीव्ड मेड और रिसीव थ्रू एजेंट, एजेंट के केस में ओपन मार्केट वैल्यू और 90% ऑफ द प्राइस जो वो सामने वाले को चार्ज करता है वो, या रूल 30(31). व्हाट डू यू मीन बाय रूल 30(31), रूल 30 क्या है, वैल्यू बेस्ड ऑन कॉस्ट, 110% ऑफ कॉस्ट लेना पड़ेगा. रूल 31 रेसिडुअल मेथड है, सर्विस के केस में रूल 31 अप्लाई कर सकते हैं 30 के पहले. 31 ए न्यूली इंसर्टेड, अगर रन कर रही है लॉटरी कौन, स्टेट गवर्नमेंट, तो वैल्यू क्या होगी, 100/1/12 ऑफ फेस वैल्यू और 100/1/12 ऑफ प्राइस नोटिफाइड बाय इन द ऑफिशियल गैजेट. और अगर लॉटरी ऑथराइज कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट, तो उस केस में क्या होगा, 100/128 ऑफ फेस वैल्यू और 100/128 ऑफ प्राइस नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट. और एक्शनेबल क्लेम इन द फॉर्म ऑफ चांस टू विन अ लॉटरी है, तो 100% ऑफ फेस वैल्यू और बेट ऑफ द बेट और अमाउंट पेड टू द टोटलाइजर यहां पे लिया जाएगा. देन हमने परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी देखा, ये नोटिफाइड सप्लाईज यहां से आनी शुरू हो जाती है. नोटिफाइड सप्लाई के केस में क्या है, परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी है फर्स्ट ऑप्शन. अगर बाइंग और सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी है, तो करेंसी एक्सचेंज टू INR है, तो डिफरेंस बिटवीन बाइंग सेलिंग रेट इनटू डिफरेंस बिटवीन बाइंग सेलिंग रेट माइनस आरबीआई रेट मंडर मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ करेंसी. अगर INR में अगर आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है, तो 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज
यहाँ पे रहेगा एंड 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ INR एक्सचेंज, एंड अगर यहाँ पे नीदर ऑफ द करेंसी आर एक्सचेंज इन INR तो दोनों को कन्वर्ट करेंगे INR में और जो भी लेसर होगा उसका 1% हो जाएगा। ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है करेंसी अगर 1 लाख रुपए तक है तो 1% और 250 विच एवर इज हायर। करेंसी अगर 1 लाख से 10 लाख के बीच में एक्सचेंज हो रही है तो 1000+0.5% आप यहाँ पे ले सकते हो इन द अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख। एंड देन अगर आपकी 1 लाख 10 लाख से ज्यादा करेंसी एक्सचेंज हो रही है तो 5500+0.1% सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 60,000। इन दोनों में से एक ऑप्शन मनी एक्सचेंजर को लेना है साल भर के लिए, फिर वही रहेगा। और ये 10 लाख का कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे, जब भी उसका एक एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए उसे ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा फॉर एवरी ट्रांजैक्शन, ठीक है, बट ही हैज टू ऑप्ट ऑप्शन वंस फॉर अ फाइनेंशियल ईयर। अगर आप एयर ट्रैवल एजेंट हो तो 5% ऑफ बेसिक फेयर इन केस ऑफ डोमेस्टिक बुकिंग और 10% ऑफ बेसिक फेयर इन केस ऑफ इंटरनेशनल बुकिंग आपको लेना पड़ेगा वैल्यू। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस एजेंट हो तो अगर आप ड्यूअल पॉलिसी देते हो जिसमें रिस्क कवर और इन्वेस्टमेंट दोनों है तो अगर ग्रॉस प्रीमियम माइनस अगर अमाउंट क्लियरली एलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट पता है तो उसे माइनस कर दिया जाएगा। सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी है, एग्जाम में दिया रहेगा कौन सी पॉलिसी है, तो 10% ऑफ द प्रीमियम चार्ज एंड अदर केसेस में 25% ऑफ द प्रीमियम चार्ज एंड फॉर फर्स्ट ईयर और सब्सिक्वेंट ईयर के लिए 12.5%। परचेज और सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स कर रहे हो तो सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस आपको करना पड़ेगा। और रिपर्चेस्ड गुड्स के केस में परचेज प्राइस क्या रहेगा, परचेज प्राइस वुड भी जो एक्चुअल परचेज प्राइस है माइनस 5% पर क्वार्टर जो भी आप यूज कर रहे हो उसका। देन कूपन के लिए जो उसके अगेंस्ट रिडीमेबल है, जो लिखा है उस पर वो नहीं, जितने में वो रिडीमेबल है वो रहेगा उसका वैल्यू। नोटिफाइड सर्विस के केस में निल दिया जाएगा, प्योर एजेंट के केस में एक्सक्लूड की जाएगी वैल्यू। रेट ऑफ एक्सचेंज गुड्स के केस में सीबीईसी का लेना है और सर्विस के केस में गैप का लेना है ऑन द डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई एंड वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है तो एक्सक्लूसिव करना आपको बिल्कुल आता है। तो बेटा यहां पे हम कंप्लीट करते हैं कौन सा चैप्टर, वैल्यूएशन चैप्टर। इफ दीज वीडियोज आर हेल्पफुल फॉर यू प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो, लेटेस्ट वीडियो आपको फटाफट मिलते रहेंगे। एग्जाम टाइम में मैं बहुत सारी चीजें यहां पे डालने वाली हूं, क्विक रिवीजन ऑफ सेक्शंस भी होंगे, हम 8 मिनट में जीएसटी के कैसे सेक्शंस रिवाइज करते हैं वो भी एक वीडियो आएगा, तो आप प्लीज चैनल सब्सक्राइब करो। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर नाउ।